हेलो फ्रेंड, जिन लोगों के पास पेपल के अकाउंट है उन सभी लोगों का मेल आईडी पर पेपल की तरफ से एक मेल आया है, योर लेटेस्ट टैक्स इनवॉइस इज रेडी फॉर डाउनलोड, कुछ ऐसा बोल के। और बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं कि भाई बताओ इस चीज के बारे में क्या है। तो चलो इस वीडियो पर पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग जान लेते हैं पेपल का टैक्स इनवॉइस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस देखिए, पेपल पर एक रूल्स है, आपने एक महीने में पेपल के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किया है आपको नेक्स्ट महीने में पहले वीक में वो जो उस ट्रांजेक्शन का सारी की सारी स्टेटमेंट डाउनलोडिंग करने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए सितंबर महीने का जो पहला वीक में हम सभी लोगों का ये जो मिला है, अगस्त महीने का हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उनका जो पूरा स्टेटमेंट है वो हम लोगों को ऑटोमेटिक मेल आईडी पर भेज दिया है डाउनलोडिंग करने के लिए। तो चाहे तो आप यहाँ पर डाउनलोडिंग बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। और कुछ लोग मुझे पूछता है कि भाई मुझे क्या जीएसटी वाला पे करना होगा? नहीं भाई, ऐसे कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पर भी पे करने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस इनवॉइस को डाउनलोडिंग करने की, तो आप नीचे देखिए डाउनलोड टैक्स इनवॉइस बोल के एक बटन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा। तो गाइस मैं बता दूं, अगर आप मोबाइल से प्रोसेस कर रही हो तो आप गूगल क्रोम को ओपन करो और राइट साइड में देखिए एक डेस्कटॉप मोड बोल के बटन आता है, तो उसके ऊपर आप डेस्कटॉप मोड कर लो आपके मोबाइल का क्रोम को, तो आपके पूरा पेज मिलेगा, ठीक है ना। तो महीने का स्टेटमेंट को डाउनलोडिंग करने के लिए आप देखिए स्टेटमेंट बोल के लिखा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने देखिए राइट साइड पर तीन ऑप्शन ओपन है, एक है मंथली और दूसरा है कस्टम और तीसरा जो है जीएसटी। तो अगर आप चाहते हो मंथली स्टेटमेंट डाउनलोडिंग करने की, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा जो स्टेटमेंट ओपन हो चुका है। अब किस महीने का स्टेटमेंट डाउनलोडिंग करना चाहते हो, एक आप सितंबर महीने का स्टेटमेंट डाउनलोडिंग कर सकते हैं, अगस्त महीने का। तो स्टेटमेंट डाउनलोडिंग करने के लिए यहाँ पर दो टाइप का फॉर्मेट आता है, एक है पीडीएफ फॉर्मेट और एक है सीएसवी फॉर्मेट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अगस्त महीने का जो स्टेटमेंट है वो मैं डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद इन प्रोसेस पर है, तो गाइस थोड़ी टाइम आपको यहाँ पर वेट करना होगा और फिर आपके सामने एक डाउनलोडिंग बटन देगा, तो आपको इस डाउनलोडिंग बटन पर प्रेस करना होगा। तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र के जरिए भी डायरेक्ट डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर डाउनलोडिंग कर लेता हूँ मेरे स्टेटमेंट को। तो स्टार्ट डाउनलोडिंग पर प्रेस करता हूँ, डाउनलोडिंग हो गया है, तो चलो मैं ओपन कर लेता। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर शो कर रहा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटमेंट को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और आप बहुत सारे लोग मुझे ये भी सवाल किया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो नोटिफिकेशन आता है ना पेपल पर, उस चीज़ के बारे में बताओ। तो गाइस देखिए, अगर आपके पास छोटा सा बिजनेस है, अगर आपने उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, तो पेपल पर जो नोटिफिकेशन पर आता है जीएसटी इनवॉइस बोल के, वहाँ पर जाके आप अपने जीएसटी नंबर एंटर कर सकते हो। तो फिर अगर आपने पर्सनल अकाउंट बनाया है, अगर आपके पास किसी भी तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप उस टाइम पर उस बॉक्स को फिल मत करो, वो सिर्फ जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर है उन लोगों के लिए। अगर आपने जीएसटी नंबर फिल नहीं करते हैं तो किसी भी तरीके का आपको मनी रिसीव करने के लिए या फिर किसी को मनी सेंड करने में दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के बारे में आपको अभी भी पता चल गया है। तो फिर भी कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिख कर बताओ, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को बढ़िया लाइक कर देना यार। और फिर मैं इस वीडियो में 100 लाइक का गोल रखता हूँ, छोटा सा गोल है, जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो। अगर आपको पेपल के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा नया नया वीडियो का इंस्टेंट गेन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आप चाहती हो पेपल कैश कैसे कमाएं, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखो दो चार वीडियो का लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को वॉच करो, आपको पूरी तरीके से मालूम चल जाएगा कैसे आप पेपल कैश अर्न कर सकते हो, बिल्कुल रियल कैश और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहे, अच्छे रहे, गुड बाय।